अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक लाइटनिंग इलेक्ट्रिक शेडर देखेंगे जो बिजली या लाइटनिंग उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके दो वर्जन्स हैं और दोनों तकरीबन इनवेटेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसके कलर्स बहुत है, मैटर करते हैं जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे मैंने येलो किया है, ठीक। तो अब पहले पे आप बेसिक शेडर देख लें और उसके बाद फिर मैं आपको इसका दूसरा थोड़ा एडवांस वर्जन दिखाऊंगा। शेडर में जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं, मुझे आउटपुट है। उसके साथ मिक्स शेडर है, साथ उस मिक्स शेडर के साथ एक ट्रांसपेरेंट और मिशन शेडर है। मिशन की स्ट्रेंथ आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलर ऑरेंज जिस टाइप रखा है लेकिन वो स्ट्रेंथ की वजह से येलो शो हो रहा है। साथ साथ हम लोग उस मीटर को भी देख रहे थे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, जो मिक्स शेडर को कंट्रोल करने के लिए कलर रैंप है और इसकी कलर रैंप की जो विड्थ है उसे कंट्रोल कर रहा है। जितना मैं इससे यहाँ पे साइड पे करता जाऊंगा उतना देखें वो मोटी होती जाती है लाइटिंग। जितना मैं इससे अंदर देखे जाता रहता हूँ उतनी वो पतली होती जाती है। उसके साथ एक सब्सट्रैक्ट वैल्यू लगी हुई है। सब्सट्रैक्ट के साथ दो वैल्यूज हैं, दो वोटोन आई शेडर्स हैं और दोनों वोटोन आई शेडर्स थोड़े से बस एक चीज डिफरेंट है। उसमें एक F1 है मियोस्की और दूसरा F2 है मियोस्की। एक्सपोनेंट 0.5 रखना है और दोनों के साथ एक स्केल वैल्यू लगी हुई है। स्केल वैल्यू दोनों की हमेशा सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने एक वैल्यू का जो नोड है दोनों की जो स्केल वैल्यू के साथ ऐड कर दी। वो अभी स्केल में रखा हुआ, अपना चेंज भी कर सकते हैं। और दोनों जो वो नॉन शेडर्स हैं उनके साथ मैपिंग और टेक्सचर को जनरेटेड है। तो इसे एनिमेट, इस वाले को वर्जन को एनिमेट करना तो बहुत ही सिंपल है। आप सबको अब तक पता ही होगा, आई से की फ्रेम ऐड करते हैं। इस तरह से आप उसकी लोकेशन एडिट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर से रोटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। वो तो आपकी अपनी मर्जी है। स्केल से भी कुछ चेंजिंग आएंगी। ये तो बिल्कुल बेसिक से वर्जन है लेकिन इसका कलर जो है वो काफी मैटर करता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आसमान से सब बिजली गिरती है, उसका भी ये आपको शो होगा। अगर आपको फिर से नजर नहीं आया तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि बिजली गिरी है आसमान से। ये देखिए व्हाइट कलर की जैसे अब आसमानी बिजली लग रही है, ऐसा समंदर के ऊपर गिर रही है। तो ये थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है। इसके और तरीके भी हैं शेडर को इस्तेमाल करने के। अगर आप देखना चाहते हैं कोई जादुई ब्लास्ट होता है आप वो भी देख सकते हैं। पर्पल कलर जैसे जादुई ब्लास्ट लग रहा है। शेप आप तो मतलब मैश के ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह की आप मैश रखेंगे। यहाँ पे इस तरह की मैश है, इस जैसे इस तरह लग रहा है। फिर आप इसे अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये अब इलेक्ट्रिक प्रिजन सा है, फोर्स फील्ड की तरह से, उसका भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोड्स की तरह से ये सिंपल सा है, काफी डायनामिक मटेरियल है। तो मैं अब आपको उसका जो एडवांस वर्जन है वो दिखाता हूँ। तो ये स्काई लाइटिंग वाले को देखते हैं। ये प्लेन है, इसके ऊपर स्केल्स का मैटर करता है काफी, लेकिन स्केल आप उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे जहाँ पे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो एडवांस वर्जन का थोड़ा ज्यादा बड़ा है लेकिन इंटीमिडेट ना हो। जो बेसिक शेडर है ये उसी तरह ही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया था, उसी तरह सही है। वैल्यू शैल्यू ओवरऑल टेक्सचर्स, लेकिन वो अब एक मिक्स शेडर के साथ और ऐड हो जाएगा जो फाइनल वैल्यू थी उसकी। और वो जो मिक्स शेडर है उसके साथ एक और कलर रैंप ऐड होगी, एक और ट्रांसपेरेंट शेडर ऐड होगा। और यहाँ पे जेड से हम लोग कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं आसमान से बिजली गिरे। ये देखिए, ये अभी आसमान से बिजली गिर रही है। और साथ एक और मैपिंग है टेक्सचर कोऑर्डिनेटर जो जनरेट है, और की फ्रेम के साथ आप उसे एनिमेट कर सकते हैं। इस स्लाइडर को लेकर के इसकी पोजीशन के ऊपर क्लिक करके आई दबाएं और फिर उससे हम लोग एक और मिक्सचर के साथ ऐड कर रहे हैं। लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि इन दोनों में ट्रांसपेरेंट शेडर नीचे वाले हिस्से में लगा हुआ था, लेकिन वहां पर डिफरेंस ये है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट शेडर ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट कर रहे हैं और बाकी उसके साथ जो ये मेन है उसके साथ फिर से ऐड होगा। और उसके साथ एक और मैपिंग नोड होगी, कलर रैंप होगा, सारा कुछ। बहुत सिंपल सा सेटअप है। ये मिस्टर यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको फिर से एक, ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी आप देख लें। ये बेसिकली जो बेसिक शेडर था वो ये है, उसको हमने एक और मिक्स शेडर के साथ ऐड किया और मिक्स शेडर के साथ हम लोग एक और कलर रैम्प मैपिंग नोड और सेपरेट एक्स वाई जी का दिया है। तो अब मैं यहाँ पे जी के यूज कर रहा हूँ और उसके साथ एक और ट्रांसपेरेंट शेडर लगा दिया है उसी तरह से नीचे। और फिर उसे हमने कोर मिक्स शेडर में ऐड कर दिया। और इस बार ये डिफरेंस ये है कि ट्रांसपेरेंट शेडर ऊपरली साइड पे है और ये वाला शेडर नीचे वाली साइड पे। और इसके साथ फिर से अगेन मैपिंग, कलर रैम्प, सेपरेट एक्स वाई जेड मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स है। एनिमेट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आई की फ्रेम के थ्रू।
और इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट सी हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाई है आसमान से बिजली गिरना गिरना, एनर्जी ब्लास्ट जो है इस तरह का जादुई ब्लास्ट अगर आप शो करना चाहते हैं पर्पल कलर से वो शो होगा, प्रिजन जो है फोर्स फील्ड वगैरह जो है उस तरह की आप शो कर सकते हैं, या उसे इलेक्ट्रो इस तरह ये मैंने दिखाए हुए हैं बिजली कड़क रही है उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बाकी तो आपके ऊपर ये होती है कि आप इसे एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हम लोग फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।